हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं लखनऊ जू। तो ये आप देख सकते हैं सामने ये गेट लगा हुआ है लखनऊ जू का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टिकट का। जो एडल्ट के लिए प्राइस जो है वो है 80 रुपीज़ और बच्चों के लिए 40 रुपीज़ पर हेड। तो चल लेंगे आज जू के अंदर और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लखनऊ जू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ईयर्स और कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए जैसे जिराफ और ये सब लगा हुआ है। और अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको असली में शेर, चीता, भालू सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो हम चलते हैं अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ था तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है उनका नाम भी, योगी आदित्यनाथ। तो अब हम चलेंगे अंदर और देखेंगे कि क्या कौन कौन से जानवर पहले आएंगे। और यहाँ पे सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, तो जिसके लिए अलग कॉस्ट, अलग चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप म्यूजियम में भी जाना चाहते हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ सारस ऑडिटोरियम के पास और ये काफ़ी अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जानवर के जो भी जानकारी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम अभी कम है क्योंकि 5-6 बजे के बाद ये जू बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अंदर, जू के अंदर और सब देखेंगे। और उसके बाद अगर हमें समय मिलता है तो हम आपको ऑडिटोरियम का भी यहाँ पे शो करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं जू में और देखेंगे कि कौन कौन से जानवर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल जानवर भी पहले से बने हुए हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से अब आगे आपको जेब्रा और टाइगर और लायन आपको यहाँ से दिखाई देंगे। तो अब अंदर जितना जाएंगे और उतना ही आपको पता चलेगा। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कैंटीन भी है जहाँ पे कि अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे खाना या फिर नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम भी अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेन की पटरी भी है जो कि पहले ट्रेन भी चला करती थी लेकिन अभी ये इस टाइम पे नहीं चल रही है। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी फ्लाइट भी बनी हुई है। यहाँ पे आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर से आप इसको देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बड़ी सी फ्लाइट बनी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारा कुछ मिल रहा है खाने के लिए भी, जैसे कि अभी इमली भी मिल रहा है। यहाँ पे लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक ट्रेन जो कि पहले चला करती थी लेकिन अभी इस टाइम पे बंद हो गई है। ये आप देख सकते हैं ट्रेन काफी पुरानी हो चुकी है और इस टाइम पे ऐसा कोई यूज भी नहीं है। तो अब हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं ये रेल की पटरी और ट्रेन। और अब हम चलेंगे सीधा चीता और शेर देखने के लिए क्योंकि यहाँ से ही आपको रास्ता जाएगा शेर और तेंदुआ। ये आप देख सकते हैं लायन, बब्बर शेर और तेंदुआ के पास। तो ये जो रोड दिखाई दे रहा है यहाँ से अब हम जाएंगे सीधे तेंदुआ के पास और बब्बर शेर के पास। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ तेंदुआ के पास, लियोपॉर्ड के पास। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे दो, जिसमें तीन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से कि एक सो रहा है और दो जगे हुए हैं। और यहाँ पे काफी क्राउड भी देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं ये सो रहा है और बाकी ये दोनों जगे हुए हैं। तो चलिए अब हम इसको और भी क्लोज से देखेंगे कि कहाँ पे हैं और क्या ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और यहाँ पे क्राउड अगर आप देखें तो बहुत सारे क्राउड हैं। और ये इनका डेन है जहाँ पे कि ये घूमते रहते हैं। और ये काफी ज्यादा बड़ा है और इस
का और जो ये वॉल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं काफ़ी डिस्टेंस है और उछलने में काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए इस तरीके से इसको बनाया गया है कि वो बाहर ना आ पाए। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ शेर के पास और आपको यहाँ पे शेर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शेर हमें लग रहा है कि काफ़ी बुढ़ा हो चुका है क्योंकि इसका मूवमेंट उतना हो नहीं रहा है और ये इसका डेन है जहाँ पे ये रहता है और इसका और वॉल का भी डिस्टेंस काफ़ी इस तरीके से जू को बनाया गया है और मेंटेन किया गया है कि जानवर बाहर ना आ पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा है और हमें लग रहा है कि काफ़ी बुढ़ा भी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आर्टिफिशियल डियर और टाइगर लायन सब बने हुए हैं। एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। तो हम जा रहे हैं दूसरे साइड और वहाँ पे हमको दिखाई देंगे वॉल्फ, जैकल, पोपोटामस, न्यू बर्ड्स हाउस, बैल रेल प्लेटफॉर्म, टाइगर, फॉक्स, मेन गेट, ये सारा कुछ अब हमको इस साइड से दिखाई देंगे। तो यहाँ तो हम आ चुके हैं बर्ड हाउस की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेट है और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के पैरेट और भी बहुत सारे बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ बटरफ्लाई पार्क, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तितली पार्क लखनऊ प्राणी उद्यान।
यहाँ पे काफी बटरफ्लाई आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे भी जाने के लिए आपको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे पंछी हैं और बहुत अलग अलग तरीके के और बहुत ही कलरफुल। तो चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं एक एक करके। हम आ चुके हैं यहाँ व्हाइट टाइगर के पास और आप ये देख सकते हैं व्हाइट टाइगर को सीधा और ये राउंड लगा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ तक और इसके अपोजिट साइड में भी यहाँ पे भी एक टाइगर है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। We'll be right back.
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। और यहाँ पे अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं या फिर लखनऊ आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे जू में एक बार ज़रूर विजिट करें, काफ़ी अच्छा जगह है और यहाँ पे आपको सारे जानवर भी दिखाई देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी तरीके का वीडियो और कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।